मेरा नाम कुशल कुमार, ये किया सेल्टोस का GTX प्लस वेरिएंट, टॉप सेलिंग वेरिएंट जो है इस कार का वो यही वाला है और टॉप रिकमेंडेड भी है। अगर आपको अपनी कार में हाई एंड फीचर चाहिए तो इस कार में आपको हेडसेट डिस्प्ले मिल जाएगी, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, वहीं के अलावा भी काफी बढ़िया फीचर्स आपको इस कार में मिलने वाले। सभी फीचर्स को हम वीडियो में देखेंगे। तो वैसे आप ब्लैक कलर में कितनी बढ़िया लगती है कार, और वो जो रेड कलर की स्ट्रिप लगी हुई है और जो रेड कलर के कैलिपर्स, इंटीरियर भी आपको काफी प्रीमियम दिया जाता है इस कार का। सब फीचर्स को हम देखेंगे इस कार के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस के बारे में। 19,35,000 रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाएगी। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। विचल भी चाहिए तो मैं इस कार की से तो पूछ रहा कि आपको इस कार में की मिल जाएगी। इस पर आपको लॉक का लॉक का मिल जाएगा कार की बूट का लॉक करने के लिए, और यहाँ पर हो गया किया का लोगो, दोनों की इसमें सेम दी जाती है। और यही फ्रंट प्रोफाइल इस कार की। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प मिल जाएंगे और LED RS दी जाएगी जो कि यहाँ से लेके वहां तक ऑन होगी। मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ किस तरह की लगती है फिर ऑन होने के बाद। और इंडिकेटर्स भी आपको उसमें DRS वाले दिए जाते हैं, वैसे आप देखते कुछ तरह की लगती है LED DRS ऑन होने के बाद। डे में तो इतना नहीं पता चल पा रहा होगा आपको, पर लेकिन नाइट में अच्छा रेस्पॉन्स रहता है इन LED DRS का। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जैसे आपको बताया रहा था। और ये रही ग्रिल इस कार की, यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाएगा साइड में, यहाँ पर होगी पियानो ब्लैक फिनिश, GT लाइन की मिल जाएगी आपको, यहाँ पर बेजिंग किया का हो गया लोगो, और नीचे साइड आपको रेड कलर की लाइन मिल जाएगी, सिल्वर कलर की होगी स्किड प्लेट, LED प्रोजेक्टर फोग लैंप्स हो गए, और यहाँ पर फ्रंट व्यू कैमरा मिल जाएगा जो कि 60° कैमरा रहने वाला है। और फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, जैसे आप जैसे देखने में काफी बढ़िया लगती है फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं तो फिर उस तरह की लगती है कार साइड से देखने में। इन एलॉय व्हील्स का डिजाइन देखने में काफी बढ़िया लगता है। 17 इंच की आपको उसमें एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, 215/60 R17 की प्रोफाइल रहने वाली है, क्या कहोगे यहाँ पर लोगो, और रेड कलर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कैलिपर्स भी जो है इसके रेड कलर में देखने में काफी बढ़िया लग रहे हैं। इसके ऊपर साइड मिल जाएगी आपको क्लैरिटी जो कार की पूरी बॉडी तक रहेगी। और ये इस कार के ओवर व्यू का आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिए जाएंगे। इंडिकेटर भी आपको इस कार के ओवर पर दिया जाएगा। ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, ऊपर की साइड आपको सनरूफ मिल जाएगी कितने साइज की, जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा कितने साइज की है, क्या व्यू आता है रियर सीट पर बैठ कर, फ्रंट सीट पर बैठ कर। यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश मिल जाएगी, डोर हैंडल आपको क्रोम कलर का दिया जाएगा आपको उस कार में, और नीचे साइड कितने साइज हुई क्लैडिंग, यहाँ पर रेड कलर की लाइन दी गई है, रूफ रेल्स हो गई, कितने साइज को हो गया यहाँ पर ग्लास, फ्यूल हो गया सिको ड्राइवर साइड, फिर कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की डायमेंशन वाइज अगर आप देखें तो काफी बढ़िया इस कार की डायमेंशन रहने वाली। और ये बैक प्रोफाइल, ऊपर साइड आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, रेयर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर बाइफर डिफोकर, बहुत से जैसे फीचर दिए जाएंगे आपको। और इसमें आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी, इंडिकेटर बैक लाइट हो गया बल्ब, क्रोम लाइन मिल जाएगी आपको यहाँ पर जिस पर किया का लोगो दिया गया है, GT लाइन की होगी बेजिंग, TGDI की बेजिंग, और रेड लाइन दी गई आपको यहाँ पर, रिफ्लेक्टर्स हो गए और 4 पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं, और रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया यहाँ पर, 360° कैमरा रहने वाला है इसमें। और ये इस कार का बूट, पार्शियल ट्रे दी जाएगी आपको यहाँ पर। तो वैसे ना उस तरह का इस कार का एक्सटीरियर लुक, जो फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा इसमें आपको 17 इंच के मशीन एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे रेड एसेट के साथ, रेयर स्पॉइलर हो गया, रेड ब्रेक कैलिपर्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर, कुछ ऐसे फीचर्स आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं जो कि आपको इसके लोअर वेरिएंट में ऑफर नहीं करे जाते हैं। और जो मेन फीचर्स में डिफरेंस रहेगा वो उस कार के इंटीरियर में है, जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको वाले फीचर्स दिखा दूंगा आपको क्या क्या ऑफर करे जाएंगे। तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का CRDI BJT इंजन मिल जाएगा, 1500 cc का जो कि प्रोड्यूस करता है 13 BHP की पावर, 250 Nm का टोर्क। तो चलिए मैं आपको उसका इंटीरियर दिखाता हूँ फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको उसका इंटीरियर में। जैसे तो पूरा ब्लैक कलर का रहने वाला इंटीरियर इस कार का, और ये रहा ड्राइवर साइड डोर, डोपनर हो गया सिल्वर कलर का, पियानो ब्लैक नहीं दी जाएगी आपको यहाँ पर, 4 पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए लोक लोक के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM जिसे कंट्रोल दिए जाएंगे, बोस का रहने वाले इसमें स्पीकर, वाटर बॉटल हो गया स्पेस, स्पेस और स्पीकर, और बाहर से देखने में उस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट दी गई है इसमें जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इस कार का बैक डोर, डोर हो गया सिल्वर कलर का, पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडो हो गई, लेदर फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर, वाटर बॉटल स्पेस हो गया, स्पेस और स्पीकर, सेल्टोस की आपको यहाँ पर प्लेट दी जाएंगी,
तो वैसे आप कितना प्रीमियम रहने वाला है इंटीरियर कार का, सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं, क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इस वाले वेरिएंट में। और ये कार का स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप डी कट स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, जिस वजह से देखने में काफी प्रीमियम लगता है। क्या कहोगे यहाँ पर लोगो सिलोफिनी दी जाएगी, स्टीयरिंग बॉडी कंट्रोल्स हो गया, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स। और ये कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरपीएम मीटर स्पीडोमीटर तो मिल जाएगा आपको इस कार में एनालॉग, और यहाँ पर टेम्परेचर का और फ्यूल का। और बीच में जो एमआईडी दी गई है फुल्ली डिजिटल रहने वाली है 7 इंच की। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, 10.25 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इनबिल्ट नेविगेशन दिया जाएगा आपको उसमें, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ रहेगा, बोस का म्यूजिक सिस्टम हो गया, 8 स्पीकर रहने वाले हैं इसमें बोस के। यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश होगी, हजार लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगी आपको, यहाँ पर कुछ सारे कंट्रोल्स है, वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स भी आपको इस कार में दिए गए हैं। और यहाँ पर हो गया 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, चार्जिंग सॉकेट, 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ तरह का आपको इस कार में गियर नोब दिया जाएगा। और वेंटिलेटेड सीट्स का हो गया यहाँ पर फीचर, 2 कप होल्डर्स हो गए, और पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर भी दी जाएगी, और सिल्वर फिनिश हो गया यहाँ पर, वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी इसमें दिया गया है। और ये कार का आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, कुछ स्पेस मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और ये का ड्राइवर साइड एसी बेड, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडसअप डिस्प्ले को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा जिससे आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ हेडसअप डिस्प्ले, जिससे आप देखो कुछ तरह से ये हेडसअप डिस्प्ले निकल कर आती है। वो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का हो गया यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, और ये कंट्रोल ओआरएम के और पावर विंडो के। सनवाइजर बैंटी पर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिप टिकट होल्डर दिया जाएगा, आईआरबीएम ऑटो डिमिंग आईआरबीएम रहने वाला है, एसओएस का हो गया बटन, किया कनेक्ट का, सनग्लास होल्डर, कैबिन लैम्प एलईडी में रहेंगे, और ये सनरूफ के कंट्रोल, और ये कैबिन लैम्प का कुछ साइज की आपको उसमें सनरूफ मिल जाएगी, और बैक में भी आपको कैबिन लैम्प मिल जाएगा। जब मैं रेयर सीट पर चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा किस तरह का व्यू और क्या क्या फीचर्स आपको वहां पर ऑफर करे जाते हैं। यहाँ पर आपको लेदर फिनिश दी जाएगी, और ये इस कार के ग्लोव बॉक्स को दिया साइज का, आपको इस कार में ग्लोव बॉक्स दिया जाता है। और ये को ड्राइवर साइड डोर, डोर हो गया सिल्वर कलर का, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी साइड में, लेदर फिनिश, बटरवुड स्पेस हो गया, डोर पैनल स्पेस। और ये फ्रंट सीट इस कार की, जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं, जो पिलो लगे हुए हैं, ये एस सीरीज का पार्ट है, वो कुछ तरह की आपको उसमें लेदर सीट्स मिल जाएंगी। तो चलिए कुछ तरह का फ्रंट सीट और बैक का जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। चलिए फिर लेके जाते उस कार की रेयर सीट पर, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो वैसे कितना लेग रूम मिल जाएगा आपको उस कार में। और रेयर सीट और बैक उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड, उस तरह का व्यू आएगा सनरूफ का, जिससे आप देख सकते हैं। और फ्रंट में भी कैबिन लैंप होगा, और यहाँ पर भी आपको कैबिन लैंप मिल जाएंगे, जिस फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप दिया जाता है आपको आर्मरेस्ट, और 60:40 में आप रेयर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं। मुझे साइज को यहाँ पर ग्लास, ग्रैब हैंडल, सनसेट दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, पियानो ब्लैक फिनिश, डोर ब्रश सिल्वर कलर का, पावर विंडो हो गई, यहाँ पर लेदर फिनिश हो गई, बटरवुड हो गया स्पेस, स्पेस बोस के स्पीकर, और एयर एसी वेंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, चार्जिंग सॉकेट हो गया, कुछ स्पेस हो गया, कुछ साइज का आपको यहाँ पर बम्प मिल जाएगा। तो ओवरऑल कुछ तरह का इस कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। तो चलिए कुछ तरह का इस कार का बुक राउंड, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्शन मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए हैं। इससे एक अपर वेरियंट भी आता है जो की एक्स लाइन वेरियंट है, वो बिल्कुल टॉप मॉडल है, उससे ऊपर कोई वेरियंट भी नहीं आता है। वैसे मैंने आपको दिखाई देना काफी बढ़िया फीचर्स मिल जाएंगे इंटीरियर एक्शन में, जैसे 360 डिग्री कैमरा हो गया, हेडसअप डिस्प्ले जैसे फीचर्स, और वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको इस कार में मिल जाता है। तो फीचर्स में तो कोई भी कमी नहीं रहने वाली है इस कार में। अगर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बुक नाउ देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर देखने के लिए आपका धन्यवाद।